वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी व्लॉग। बेसिकली इस व्लॉग में मैं एक कार मेला में गया हूं जो कि पार्क व्हील की जानिब से अरेंज किया गया है और ये कराची एक्सपो सेंटर में लगता है। इस वक्त मैं खड़ा हूं ये टेंट के पास और सुबह का टाइम है क्योंकि यहां पे तकरीबन 8 बजे का टाइम है और इस वक्त इसकी हॉल की ओपनिंग नहीं हुई, तो जितनी भी गाड़ियाँ हैं तमाम सेल आउट होने के लिए यहाँ पर खड़ी की गई हैं। ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं ऑटो स्टोर स्टॉल, ये बेसिकली पार्क व्हील की जानिब से लगाया गया है और यहाँ पर डिस्काउंटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा जिससे गाड़ी वगैरह क्लीन करते हैं। मेन जो हॉल है वो है हॉल नंबर 6, जहाँ पे गाड़ियाँ तमाम खड़ी गई की गई हैं अंदर और फुल लाइटनिंग के साथ अंदर इंतज़ाम किया गया है। हाँ भाई, तो अब हम आ गए हैं हॉल के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मज़ीद काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और लाइटें वगैरह भी लगाई हैं। इससे आगे भी हॉल तकरीबन ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और यहाँ पे स्पेस अब नहीं है। कोई भी अगर गाड़ी न्यू लेके आता है तो उसको अंदर खड़ी करने की जगह नहीं मिलेगी। तो जैसे भी देख रहे हैं ये तमाम गाड़ियाँ और ये जितने भी बंदे खड़े हैं यहाँ पर, परचेजर भी हैं, डीलर भी हैं और देखने वाले तो बहुत ज़्यादा ही हैं। क्योंकि जैसे इस हॉल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है तो मोस्टली जो लोग थे वो गाड़ी को देख कर सिर्फ चले जाते हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं उसमें फ़न करने के लिए यहाँ पर आते हैं और एक्सपो सेंटर में कार्स वगैरह देखने आते हैं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा और नोट किया कि जो मेजॉरिटी की जो डिमांड है वो ज़्यादातर क्या देखते हैं, मैरान देखते हैं या फिर होंडा देखते हैं 2005 से 6 मॉडल की, या फिर देखते हैं सुजुकी की कोई पुरानी गाड़ी या फिर चेंगान। अब सीन ये है कि इस मार्केट में हाई वैल्यू वाली जो कार्स हैं उसकी सेल की जो डिमांड है वो काफ़ी लो देखी गई है। अब इस पूरे हॉल में मैंने सर्वे किया, तकरीबन 102 दफ़ा किया और एक ऊँची गाड़ी वहाँ पर अच्छी लगी थी, लेकिन उसके ऑनर की जो प्राइस थी वो काफ़ी हाई थी और वो नीचे प्राइस नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे जो डिमांड करती है बात वही है कि उनका जो बजट सर्कल है वो अराउंड अबाउट 8 से स्टार्ट होता है, 6, 7, 8 और 15 से 20 तक जाता है। इससे ऊपर वाले गाड़ियाँ जो हैं वो सिर्फ वहाँ पे नुमाइश के लिए खड़ी की गई हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत ही रेयर है जो वहाँ पर सेल आउट हुए हैं, लेकिन कुछ अच्छी गाड़ियाँ सेल भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन कुछ उसका मतलब ये है कि आप ये कह लें कि भाई 10% तक हुई होंगे। ऑल द एक्सपीरियंस वॉज गुड नॉट बैड। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thank you.